टीएसएन न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कुलहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज बतारीख 12 नवंबर इतवार को अहमदनगर डिवीजन के इलाके फसलांसर में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने अवाम से दरख्वास्त की है कि पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को कामयाब करें और सदर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करने की गुजारिश की। हर इलाके में मजलिस पार्टी की जानिब से दी जाने वाली तमाम खिदमात से अवाम काफ़ी खुश है और डिवीज़न में तरक्की और अवामी फलाही के लिए मजलिस को कामयाब करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मुकामी मोहम्मद अली और साबिर अली सन्स की जानिब से एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन को दुनिया व आसमानी बलाओं से और नजरे बद से महफूज रखने के लिए बकरे को वार कर गरीब अवाम में तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर एडवोकेट सैयद आजम, इफ्तिखार अली खान व दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद खास मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए टीएसएन न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आजा बच्चा।